गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोहर झा विथ यू। दिस इज मी मनोहर झा। अगर आप एक फीचर फोन परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो जो कस्टमर का प्रायोरिटी होता है आपको, वो ज्यादातर कस्टमर आपको ऑफलाइन मार्केट से जाके फीचर फोन परचेज करते हैं। बटन फोन आपको ऑफलाइन से जाके परचेज करते हैं, बट वो सारे फोन आप ई कॉमर्स साइट से भी परचेज कर सकते हैं। बट ई कॉमर्स साइट पे क्या दिक्कतें होती है, ये फीचर फोन की मैं बात कर रहा हूं या किसी भी फोन की, वहां पे जो प्राइस आपको देखने को मिलता है उसी प्राइस में आपको फोन लिया जाएगा, आप उसी प्राइस में फोन को परचेज कर सकते हैं। बट ऑफलाइन में जाके आप प्राइस को ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे आपको जो प्राइस है, मान जो आपको बताया गया 1300 रुपए, तो आप उससे कम में भी फोन आप परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन जो डीलर होते हैं आपको वो दे सकते हैं उससे कम में, क्योंकि वहां पे कस्टमर अगर रिटर्न नहीं करना है तो मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से आपको कम में भी फोन दे सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, अगर आप एक फीचर फोन परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट किस ब्रांड का फीचर फोन होगा। अगर मैं टॉप ब्रांड्स की बात करूं, जो कस्टमर जिस ब्रांड को प्रायोरिटी देते हैं, तो सबसे पहला आता है आपको सैमसंग और नोकिया। अगर इस दो ब्रांड में मैं कंपेयर करूं जो सबसे ज्यादा किस ब्रांड के पास फीचर फोन का रेंज है, तो सबसे पहला आता है आपको नोकिया। यहां पे आपको 2G कनेक्टिविटी वाले फोन से लेके आपको 4G कनेक्टिविटी तक का फोन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, और एक बड़ा डिस्प्ले के साथ और एक अच्छा फीचर के साथ यहां पे आपको, जो सैमसंग से बेटर है यहां पे नोकिया आपको। क्यों बेटर है वो चीजें आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है। और इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बता दूंगा जिसके थ्रू आप एक अच्छा फीचर फोन परचेज कर पाएंगे। अगर अदर ब्रांड की बात करूं तो जो लोग बहुत कम बजट में फोन परचेज करने के लिए जाते हैं आपको फीचर फोन, जैसे मान लीजिए 600, 700, 800, उस प्राइस में आपको नोकिया या सैमसंग का फोन देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप सैमसंग नोकिया में जाएगा तो आपको 1000 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तभी आप सैमसंग या नोकिया का फोन परचेज कर सकते हैं। तो उससे 1000 के अंडर में आपको अगर फोन लेना है तो वहां पे आपको मिलेंगे आपको आईटेल के फोन, ये सारे फोन आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। आईटेल ब्रांड का आपको वहां पे प्रेफर किया जाता है, जो आप आईटेल का फोन ले सकते हैं। अगर आप अच्छे ब्रांड का फोन लीजिएगा तो वहां पे नोकिया और सैमसंग आपको दिखाया जाएगा सबसे पहले। तो सैमसंग की अगर बात करूं तो इसके पास अभी 3 रेंजेस हैं, आपको 3 ब्रांड के इसके फोन आते हैं। एक आता था आपको गुरु FM प्लस, जो कि डिसकंटिन्यू हो गया है कंपनी की तरफ से। तो सबसे पहला आपको गुरु 1200, उसके बाद गुरु म्यूजिक 2, उसके बाद आपको मेट्रो 313। ये 3 फोन आपको सैमसंग की तरफ से आते हैं। अगर नोकिया की बात करूं तो नोकिया के पास अगर 2G GSM कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहां पे नोकिया 105, जो कि स्टार्टिंग प्राइस यहां पे आपको मिलेगा, सिंगल सिम की मैं बात कर रहा हूं, 1299 रुपया। ये प्राइस आप इसको कम करके भी ऑफलाइन में इसको परचेज कर सकते हैं, 1150-1250 तक आपको यहां पे मिल जाएगा सिंगल सिम की। डुअल सिम आपको 1400 ऐसे आपको मिल सकता है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नोकिया 105 प्लस, फिर आपको नोकिया 150, नोकिया 125, नोकिया 110 4G, नोकिया 215 4G, नोकिया 225 4G। अगर आप एक अच्छा म्यूजिक प्लेयर वाला भी फीचर फोन परचेज करने के लिए जाइएगा तो हाँ, मैं आपको प्रेफर करूंगा नोकिया का 5310। तो नोकिया के पास मैंने बताया आपको बहुत सारे रेंजेस आते हैं फीचर फोन में, नोकिया 5310 एक बेस्ट म्यूजिक प्लेयर वाला क्यों फोन है। अगर यहां पे मैं स्पीकर की बात करूं तो डुअल फ्रंट फेस स्पीकर आपको यहां पे मिलेगा, डुअल फ्रंट फेस स्पीकर मिलेगा, जिसकी वजह से इसका साउंड है वो काफी अच्छा मिलता है, मैंने यूज भी किया हुआ है। पहले जैसे आपको नोकिया का एक्सप्रेस म्यूजिक आता था, आपको X201 आता स्लाइडर वाला, वो उस टाइप का आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक MP3 प्लेयर वाइज भी बेस्ट फोन आपको नोकिया का 5310 है, एक अच्छा डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे एक बड़ा डिस्प्ले की मैं बात करूं तो नोकिया का 125, जिसमें आपको 2.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और सारे फीचर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, म्यूजिक प्लेयर वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, FM रेडियो टॉर्च वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। और एक बड़ा डिस्प्ले में चाहते हैं, एक अच्छा लुक वाइज काफी ड्यूरेबल मैट फिनिश में पॉलीकार्बोनेट पैनल सब कुछ देखना चाहते हैं, और अच्छे अच्छे कलर वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, तो नोकिया का 6310, जिसमें आपको 2.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बाकी हर चीज आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको CPU बेस्ड फोन मिलेगा, जो कि यूनिसॉक का 6531F वाला आपको यहाँ पे CPU देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम S30+ वाला, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आप प्री इंस्टॉल आपको ओपेरा मिनी यूज कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह आप यूज कर सकते हैं, और 9 प्री लोडेड गेम मिलेंगे, जो स्नेक वगैरह आप खेलते थे वो सारे गेम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इसको छोड़ के आपको 8 और प्री लोडेड गेम्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं 4G फोन की बात करूं, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट वेरिएंट है नोकिया का 4G का, वो है आपको नोकिया 110 4G, जिसका प्राइस है आपको 2899, यानी 2900 रुपया से इसका 4G स्टार्ट होता है आपको यहाँ पे।
इसमें आपको 4G वोल्टी मिलेगा, डुअल सिम आपको 4G वोल्टी मिलेगा, जिसके वजह से आप किसी पर्सन को अगर कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको HD वॉइस कॉलिंग मिलेगा, एक अच्छा क्लियर साउंड आपको सुनने को मिलेगा अगर आप किसी से बात करते हैं, और सारी चीजें आपको मिलेगा, ओपेरा मिनी मिलेगा, FM रेडियो मिलेगा, टॉर्च वगैरह हर चीज मिलेगा। अब बात, मैंने जैसे बताया आपको नोकिया का ही फोन क्यों परचेज करना चाहिए बाकी ब्रांड को छोड़ के, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको 1 ईयर का रिप्लेसमेंट मिलता है, फोन काफी ड्यूरेबल होता है, यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट जो बटन फोन की मैं बात करूं, अगर आपके फोन में कोई भी दिक्कतें आएगा, अगर फोन में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप सीधा काउंटर से जहां से आपने फोन परचेज किया, जिस स्टोर से, वहां पे आप जाइएगा, बस फोन आपका टूटना नहीं चाहिए और पानी में नहीं गिरना चाहिए। तो आप सीधा काउंटर पे जाइएगा, आपके फोन में जो भी इश्यूज होंगे चेक करने के बाद आपको फोन रिप्लेस कर दिया जाएगा। चार्जर और बैटरी का आपको 6 महीने की गारंटी मिलेगी। बटन फोन में सबसे ज्यादा रेंज नोकिया के पास है, यहाँ पे GSM कनेक्टिविटी से लेके 4G कनेक्टिविटी तक, यहाँ पे आप मेमोरी लगा सकते हैं, जो म्यूजिक प्लेयर वाले आपको फोन, MP3 प्लेयर वाले आपको फोन मिलेंगे उसमें आप 32GB तक मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे फैमिली ऑलरेडी इससे पहले नोकिया के बटन फोन ही यूज करते आ रहे थे, सबसे पहला जो फोन था नोकिया ही यूज करते आ रहे थे, उससे फेमिलियर है, इजी टू यूज है। कोई अदर आप ब्रांड का फोन लीजिएगा, मान लीजिए यूज करने में कोई दिक्कतें आएगी, वो नोकिया के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, इजी टू यूज हो जाएगा। ऑलरेडी सारे लोग नोकिया के बटन फोन यूज करते आ रहे हैं, वैसे भी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन अभी भी नोकिया ही है। सैमसंग का गुरु 1200 ले लेते हैं, कुछ लोग नोकिया से निगेटिव है जिसकी वजह से नोकिया को प्रेफर नहीं करते हैं, बट अगर कंपेयर टू सैमसंग अदर ब्रांड, नोकिया वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। फीचर फोन की मैं बात कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको मिलेगा, रिप्लेसमेंट मिलेगा। अगर इसके कंपेरेटिवली अगर अदर ब्रांड में जाएगा तो आपको लावा में भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, मिलिट्री ग्रेड का आपको फोन देखने को मिल जाएगा। तो आप नोकिया को इसलिए प्रेफर करें, एक बेस्ट फोन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, बहुत सारी फीचर होगा। मैं एक नोकिया के बटन फोन का आपको अनबॉक्सिंग भी लाऊंगा, एक बेस्ट वेरियंट वाला और एक अच्छा 4G फोन का मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग भी लाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर, जिसमें मैं सारे फीचर की आपको बताऊंगा। तो आप अगर एक फीचर फोन परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है आपको नोकिया। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऑफलाइन में जाके आप नोकिया का फोन परचेज करेगा, आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा और बहुत सारे रेंजेस आपको सारे रेंजेस देखने को मिल जाएंगे।